झारखंड के इन दिनों हेमंत सरकार एक के बाद एक परेशानी में घिरती जा रही है। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विवरण विधेयक 2022 लौटा दिया है। विधानसभा के पारित इस विधेयक के कानून बनते ही कृषि उपज पर 2% कृषि बाजार समिति टैक्स लगाना था। बजट सत्र में सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने के बाद की मंजूरी को राज्यपाल भेजा था। राज्यपाल ने विधायक के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के विभिन्नता होने का हवाला देते हुए सरकार को वापस भेज दिया। इसके साथ ही कहा गया कि विधेयक की हिंदी व अंग्रेजी संस्करण की गलतियों को सुधारने के बाद फिर से प्रकाशित करें, उसके बाद इसके विधानसभा में पारित कराने और उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए भेजे। बता दें कि विधेयक के प्रमुख प्रधानों में खरीदारी से 2% कृषि बाजार समिति टैक्स लेने की व्यवस्था भी थी। विधायक से व्यापारी भी नाराज, विधायक के खरीदारी में 2% कृषि बाजार टैक्स देने की व्यवस्था की गई थी, इसको लेकर व्यापारी नाराज। इधर बीजेपी में भी इस पर आपत्ति जताई दर्ज कराई है।